Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, आज लेक्चर टू है, ग्रेविटेशन टू। पोटेंशियल एनर्जी कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, उसी के कंडीशन उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक पॉइंट मास ये M1 है और एक पॉइंट मास M2 है, और ये दोनों पॉइंट मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u, एक मास 1 है और एक मास 2 है, तो 1 2 माइनस g m1 M2 अपॉन R, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन ये ओनली फॉर पॉइंट मासेस है, ठीक है। U12 इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये है क्या, अगर हम इन मासेस को सेपरेट करें इंफिनिटी पर, इस अमाउंट में हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ रहा है इनको सेपरेट करने में, तो उसी को हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए आगे, इसी में मान लीजिए आपके पास ये तीन मासेस हैं, एक मास ये, ये एक ट्रायंगल है, एक मास ए, एक मास बी और एक मास सी। ये मास M1 रख दिया हमने यहां पर, और यहां पर हमने मास M2 रख दिया, और यहां पर मास M3 रख दिया। ये एंगल A के सामने वाली साइड है, ये B और ये साइड C। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखिए कैसे निकाले। सबसे पहले आपके पास ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। हमेशा आपके पास तीन मास है, मान लीजिए दो दो को लेकर के आपको पेयर बनाने हैं, तो इसका तरीका है 3C2, 3C2 that will be equal to 3 into 2 upon 1 into 2 that will be equal to 3 that will be equal to 3। तो याद रखिए, अगर हमारे पास n masses हैं, एक नोट लिखिए, नोट, if there are n masses, the number of combinations is equal to n into n minus 1 upon 2। दो दो को लेकर के हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। आप इस फॉर्मूले से करिए कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम, पहले आप इस मास वन की टू के साथ में पेयर बनाएंगे, यू वन टू, वन का टू के साथ में प्लस, फिर वन का ही बनाइए बाकी और सब मासेस के साथ में, वन थ्री प्लस, फिर टू का बनाना की कोशिश करिए, यू टू थ्री, टू का बनाया थ्री के साथ में, टू थ्री। अब देखिए, टू का वन के साथ में बना नहीं सकता क्योंकि वन टू आ चुका,
थ्री का मैं वन के साथ नहीं बना सकता, थ्री और वन आ चुका। थ्री के साथ मैं टू का नहीं बना सकता, थ्री और टू भी आ चुका, और तीन ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। यू वन टू माइनस जी एम वन एम टू, एम वन एम टू अपॉन वन और टू के बीच की डिस्टेंस है सी प्लस, फिर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी। बताइए वन और थ्री एम वन एम थ्री, ये बी हो गया, माइनस जी एम टू एम थ्री, और ये आपके पास ए हो गया। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए इसे में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पल 8.3 एग्जाम्पल 8.3 पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम्पल 8.3, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स placed at the vertex of the square of side L, also obtain the potential at the center of the square। देखिए क्या है ये, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक स्क्वायर है, इट इज ए स्क्वायर, ऑफ साइड एल, साइड एल का एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इट इज ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहां पर एक मास रखा हुआ है एम, इतना ही मास एक रखा हुआ, फोर पार्टिकल्स। इसका नंबर डाल लीजिए, ये वन हो गया मास वन, इसका नंबर टू हो गया, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं थ्री और फोर। ठीक, ये एक सिस्टम है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लिखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितने पेयर बना सकते हो दो दो को लेकर के, कितने हैं आपके पास, फोर इंटू थ्री अपॉन टू। याद करो फॉर्मूला बताया, एन एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल टू सिक्स कॉम्बिनेशन, सिक्स कॉम्बिनेशन। अब देखिए सिक्स कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, यू इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। पहले वन के साथ बनाइए यू वन टू, फिर वन के ही साथ बनाइए थ्री, और वन के साथ बनाइए फोर। पहले एक को ले लीजिए, एक का सबके साथ में पेयर बनाते चाहिए। अब अगला लीजिए टू, लीजिए टू के साथ आप वन का नहीं बना सकते, वो आप ले चुके टू थ्री, यू टू फोर। देखिए टू के साथ थ्री का बना सकते हैं, टू के साथ फोर का बना सकते हैं, लेकिन टू के साथ वन का नहीं बना सकते क्योंकि ये पेयर आ चुका प्लस। अब थ्री का बनाइए, थ्री का देखिए यू थ्री फोर, यू थ्री फोर। ठीक, अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के सिक्स पेयर बन गए, काउंट भी कर लीजिए सिक्स कॉम्बिनेशन है। आगे चलिए वन और टू के बीच में कितनी एनर्जी होगी, माइनस जी एम वन एम टू मतलब एम स्क्वायर और इनके बीच का सेपरेशन एल, फिर माइनस जी एम स्क्वायर, वन और थ्री के बीच की डिस्टेंस, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया तो ये डिस्टेंस है एल रूट टू, एल रूट टू
माइनस वन और फोर के बीच में जी एम स्क्वायर अपॉन एल हो गया। देखिए यू वन टू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, वन थ्री जी एम स्क्वायर, वन और थ्री के बीच की डिस्टेंस एल रूट टू। मैं यहां लिख भी देता हूं एल रूट टू। और फिर देखिए वन और फोर के बीच की डिस्टेंस क्या है एल, माइनस जी एम स्क्वायर टू थ्री, टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस एल, माइनस टू और फोर के बीच की डिस्टेंस जी एम स्क्वायर, टू और फोर के बीच की डिस्टेंस एल रूट टू, थ्री और फोर के बीच की डिस्टेंस माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार, माइनस फोर, माइनस फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ये फोर टाइम्स आ गया, माइनस टू टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन एल रूट टू। एल अब देखिए इसमें से ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी हो गई। तो क्या तरीका बनाया हमने, सबसे पहले पता करिए कॉम्बिनेशन टोटल कितने बन रहे हैं, वो पता करिए n n माइनस वन अपॉन टू के फॉर्मूले से। फिर जैसे पहले वाले चार्ज पर, पहले वाले मास पर का पेयर बनाइए वन टू, वन थ्री वन फोर, फिर टू के साथ पेयर बनाइए टू थ्री टू फोर, फिर थ्री के साथ पेयर बनाइए थ्री फोर, तो फिर काउंट कर लीजिए टोटल यही आना चाहिए। और हर पेयर की एनर्जी लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी, बाहर माइनस साइन, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल ली। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा है आपसे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, लिखो आल्सो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, पहले उसके कॉन्सेप्ट समझिए। कल मैंने हालांकि लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। देखिए फिर से मैं दोबारा समझा देता हूं उस आर्टिकल को। ये एक मास m है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ये मास यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनाएगा, और जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और v की वैल्यू होती है माइनस जी एम अपॉन आर। ये भी लिख लीजिए, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर, माइनस जी एम अपॉन आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक्चुअली ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एक केजी मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं यहां पर मान लो कोई मास ला करके रख दूं तो उस मास के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको उस मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इस आर्टिकल का ही आप यहां पर यूज करिए। इसके सेंटर पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। देखिए ये सेंटर है इसका, ये डिस्टेंस अगर r है, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। सबसे पहले आप देखिए ये डिस्टेंस 2r हो गई, 2r इज इक्वल टू l रूट टू, 2r इज इक्वल टू l रूट टू, एल रूट टू डायगनल हो गया ये 2r। ये निकालने का तरीका है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए आपको ये, व्हाट इज r, l अपॉन अंडर रूट टू, एल अपॉन अंडर रूट टू, टू से डिवाइड कर लिया l अपॉन अंडर रूट टू। जितना एक मास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उतना ही इस मास से होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस, एक मास से निकालिए, अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम अपॉन आर, और टोटल कितने मास हैं बताइए, फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर एक से सेम पोटेंशियल है, तो हम चार बार निकाल करके उसको ऐड कर देंगे। अगर मान लो अलग अलग मासेस होते तो वी वन वी टू वी थ्री निकालते, फिर क्या करते, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री कर देते, यहां फोर टाइम्स कर दिया, माइनस फोर जी एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर इज एल अपॉन रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो माइनस टू रूट फोर रूट टू, फोर रूट टू जी एम अपॉन एल, इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से आप इस सॉल्ड एग्जाम्पल को कर सकते, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज हैं, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए आप इसमें, इस बार ये पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास से तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, माइनस जी एम अपॉन आर, सबसे पहला आता है फर्स्ट पॉइंट, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर होलो स्फीयर, इसी का दूसरा नाम है स्फेरिकल सेल, होलो स्फीयर स्फेरिकल सेल, ठीक। अब देखिए ये थिन स्फेरिकल सेल है, इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल, अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, पॉइंट आउटसाइड द सेल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर लिख लो ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला वही आ रहा है, अगर ये कैपिटल एम सारा का सारा मास, अगर मैं पॉइंट मास मान लूं और ये पॉइंट मास मैं सेंटर पर रख दूं, तो बताइए यहां पर आर डिस्टेंस पर यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि होलोस्फीयर बिहेव करता है लाइक ए पॉइंट मास, अगर मास के बाहर है पॉइंट, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो
तो ये होलोस्फीयर बिहेव करेगा लाइक ए पॉइंट मास। तो लिख लीजिए, बिहेव्स लाइक ए के सेकेंड। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, पॉइंट इज ऑन द सरफेस। तो v की वैल्यू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर हो जाएगी। केस थर्ड, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P अंदर आ गया। अगर अंदर आ जाता है, कभी भी पॉइंट अंदर आ जाए, तो V की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की सरफेस पर होगी, माइनस जी एम अपॉन आर। V की वैल्यू उतनी होगी जितनी की सरफेस पर। अंदर हर पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट ले लिया जाए, हर पॉइंट पर V की वैल्यू कांस्टेंट होगी, V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये चीज आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, मैंने एनसीईआरटी से बाहर जाकर के आपको बता रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसके ऊपर कंपटीशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अब देखिए, मैं V और R में ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। लिखो, द ग्राफ बिटवीन V एंड R, फॉर होलो स्फीयर, ये V और ये R। मैंने इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक। देखिए, ये दो रीजन क्या हैं? जो इस साइड का रीजन है, इसको कहोगे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल r, और जो इस साइड का रीजन है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन। भाई इधर चले गए तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल r से बड़ी हो गई, इस रीजन में ये हुआ। जिस समय r की वैल्यू लेस देन है, v की वैल्यू कांस्टेंट है और माइनस में है, तो मैं सिर्फ v का यहां मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, v का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस v। तो जब मॉडुलस लूंगा तो मैं इसको पॉजिटिव मान लूंगा। देखिए, ये कांस्टेंट है और मॉडुलस v की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन आर, जी एम ये v की वैल्यू, मॉडुलस। अब इसके बाद ये सरफेस पर आ गए आप, r की वैल्यू ये हो गई सरफेस पर। इसके बाद जैसे जैसे आप r को बढ़ाते जाओगे, v की वैल्यू कम होती जाएगी। ग्राफ ऐसे बनाते आप स्ट्रेट लाइन, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि r की पावर माइनस वन हो गई। इसलिए यहां पर एक कर्व बनेगा, ग्राफ एक कर्व बनेगा, और जैसे जैसे r को बढ़ाते जाएंगे, v की वैल्यू कम। और ये ग्राफ कहां मिलेगा बताइए, इंफिनिटी पर जाकर के मिल जाएगा। तो ये ग्राफ होगा v और r, लेकिन याद रखिएगा ये मॉडुलस v का ग्राफ है, मॉडुलस v और r में ग्राफ है ये। अगर बाय चांस उन्होंने जिद पकड़ ली कि हम तो v में और r में ही ग्राफ प्लॉट करते हैं, लिखो इसी के नीचे, देखो अगर जिद पकड़ ली गई कि V और R में ही ग्राफ बनाना है, तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये V और ये R, ठीक। और ये चीज वही दो रीजन, स्मॉल R इज इक्वल टू R। अब देखिए, आप ये देखिए, जब पॉइंट अंदर है तो v की वैल्यू निगेटिव है, तो जब v निगेटिव होगा, पॉजिटिव v तो ऊपर होता है और निगेटिव v नीचे होगा, इस तरह से v की वैल्यू हो गई माइनस जी एम
अपॉन आर। इसके बाद जैसे जैसे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू इंफिनिटी करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा ग्राफ हो गया जो ग्राफ बना हुआ था। अगर वी को वैल्यू साइन सहित ली जाए नेगेटिव और मॉडुलस भी लिया जाए तो ग्राफ ऊपर बनेगा। तो पेपर में जरूर देख लेना कि वी में ग्राफ है या मॉडुलस वी में ग्राफ है। होलोस्फीयर सेकंड आता है आपके पास, सेकंड लिखो, सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर मास m का सॉलिड स्फीयर है। फिर वही तरीका, केस फर्स्ट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल r, पॉइंट बाहर हो जाएगा। जब भी पॉइंट बाहर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो चाहे वो होलो स्फीयर हो, ये बिहेव करेगा लाई के पॉइंट मास। तो वी का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर। केस सेकेंड, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, पॉइंट इसकी सरफेस पर है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। केस थर्ड, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, पॉइंट यहां अंदर हो गया, तो बताइए v इज इक्वल टू माइनस जी एम टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो लिखो द पोटेंशियल एट द सेंटर वी सी, द पोटेंशियल एट द सेंटर, इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 3gm अपॉन 2r, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू जीरो अगर सेंटर पर निकालना चाहते हैं, ठीक। तो मैंने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया आपको। अगला आता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग एक ये हमारे पास ये एक रिंग है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर और मास कैपिटल एम, और इस रिंग की एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो बताइए, इस पॉइंट को सेंटर पर लाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। तमाम क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल नोट करिए, एक एग्जांपल नोट करिए। देखिए, ये मेरे पास एक रिंग है, मास एम की ये रिंग है, रेडियस आर, सेंटर से डी डिस्टेंस पर ये इसकी एक्सिस हो गई। यहां पर मैंने एक पॉइंट मास रख दिया, एक पॉइंट मास रख दिया एम। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर। आपने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला मैंने ये पढ़ रखा है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन डी, ये पढ़ रखा है। ये गलत है। क्यों गलत है? ये फॉर्मूला तो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए है। ये एक तो पॉइंट मास है लेकिन ये पॉइंट मास नहीं है। पॉइंट मास किसे कहते हैं? जो सारा का सारा मास एक पॉइंट पर आ जाए, तो ये पॉइंट मास नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते। एग्जाम में ये चीज भी लिखी हुई मिलेगी आपको। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पहले वो निकालिए। ये रिंग यहां पर कितना पोटेंशियल बना रही है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ठीक, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द एनर्जी फॉर 1 kg मास, यूनिट मास। तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u कितनी हो जाएगी? m मास लाकर रखा आपने इस पॉइंट पर, कितना मास रखा है m, और यहां का पोटेंशियल कितना है बताइए v, तो m into v हो गई एनर्जी। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, समझ में आए? एक नंबर की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। मैं इसी तरह से आपके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ाऊंगा आपको ग्रेविटेशन में। धीरे धीरे एक एक चीज को पूरा करूंगा और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स आपको कराना शुरू करूंगा। पहले थ्योरी पढ़िए और अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए और तब इस थ्योरी को नोट करिए। ये नहीं मत सोचिएगा जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दे रखे हैं कि मैं उसको पढ़ा, उसको नहीं पढ़ाया, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं। फिर कैपलर्स लॉ वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, छोड़ने का कुछ नहीं। थैंक यू।